नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण ने भी किया था प्रभु श्री राम से छल। भगवान राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ले ली? लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे, रामायण में भगवान राम की छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए 15 वर्षों के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है, जिस रहस्य को स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। दोस्तों, भगवान राम के तीन भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे, इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी है करके राम के साथ बन गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वह गलती क्या थी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें, जिसे भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था। चलिए इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। दोस्तों, यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे, लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उसे बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुँच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। इसलिए अपने प्राणों का मुँह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देख कर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्षा में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्षा में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्षा में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुँचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। तभी गुरु वशिष्ठ ने यह कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्य से चकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। दोस्तों, जैसे ही ग्रुप वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए। और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवार में लक्ष्मण को रोज फल खाने को देता था और जब मैं इधर उधर देखा था तो फल कहीं भी पड़े नहीं दिखाई देते थे, तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया? इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस
शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया आप जो भी मुझे खाने के लिए खाना देते थे मैं उसे खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सिद्ध अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी यहाँ मौजूद है? 14 साल के हिसाब से उसमें 4 धोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई 4 धोने कहाँ गए या 4 दिनों का खाना आपने खाया है? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया कि भैया आप मुझसे जो 4 दिनों के खाने के बारे में जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था तो उसी दिन आपने कुछ नहीं खाया और ना ही उसे दिन मुझे कुछ खाने को दिया इसके बाद। और जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला तो उसे दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे खाने को दिया। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया उसे दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी कुछ नहीं खाया। और जब मुझे मेघनाथ द्वारा शक्ति बना लेगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसीलिए इसने कर धोने काम है। दोस्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर कहा कि इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि भैया आप मुझे खाने के लिए खाना तो देते थे पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे जरूर खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। और भला मैं आपके आदेश बिना यह खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश बिना कुछ नहीं करता नहीं हूँ। अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।